आरपीएस स्कूल की नई शाखा मंगलस्थान सोहन कुआं का उद्घाटन ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, आरपीएस स्कूल के निदेशक अरविंद कुमार सिंह, रिंकू सिंह, मोहम्मद आफाक द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर किया गया। उद्घाटन के पश्चात स्कूली छात्रा तनिष्क, ईशा, तानिया और सराहना द्वारा गणपति संगीत की व छात्रा सलीहीन, जिया, संजना, रीत, अंतरा, अपूर्वा द्वारा स्वागत संगीत की प्रस्तुति की गई। इसके बाद स्कूल की छात्रा सिद्रा, नैन्सी, आलिया, जानव और अन्य छात्राओं द्वारा स्वागत नृत्य की प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के निदेशक अरविंद कुमार सिंह ने मंच संबोधित करते हुए कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों का स्वागत किया। श्री सिंह आरपीएस के शुरुआत पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 35 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में मैं अपना योगदान दे रहा हूं। जिस समय हमने शुरुआत किया उस समय जिले का आरपीएस दूसरा प्राइवेट स्कूल था। धीरे धीरे समय बीतता गया, शहर वासियों का भरपूर प्यार मिला। इसी बीच वर्ष 2001 से हमने सीबीएसई नियमों का पालन करना शुरू किया, जिसके बाद 2005 में आरपीएस सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल बना। देखते ही देखते लोगों का प्यार, हमारे बच्चों का बेहतर रिजल्ट के बदौलत हम लोग कामयाबी की राह पर बढ़ते चले और आरपीएस मकनपुर की शाखा की शुरुआत हुई और फिर आज बिहार शरीफ शहर में आरपीएस स्कूल का ये तीसरा शाखा सोहन कुआं स्थित, जिसकी आज विधिवत उद्घाटन किया गया है। मुझे यहाँ के मोहल्ले वासियों से अच्छा सहयोग मिला है और जल्द ही पूरा परिसर छात्र छात्राओं से भरा पूरा होगा। अब तक 200 से ज्यादा नामांकन हो चुका है और हम लोग जल्द ही 500 नामांकन का आंकड़ा पूरा कर लिया जाएगा। आरपीएस में नामांकन करवाने पर आपको एडमिशन फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लिया जाएगा, ये दोनों ही शुल्क विद्यालय की ओर से मुफ्त है। कार्यक्रम के दौरान मंत्री श्रवण कुमार ने विद्यालय परिवार को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आरपीएस स्कूल शहर का प्रसिद्ध ज्ञान का भंडार है, जहां से हर वर्ष सैकड़ों छात्र छात्राएं अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। इस स्कूल में सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं मौजूद है, साथ ही इस विद्यालय में बच्चों के साथ अपनापन वाला माहौल है। विद्यालय के निदेशक अरविंद कुमार सिंह को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए कहना चाहूंगा कि आज इनकी मेहनत और परिश्रम का नतीजा है कि बिहार के बच्चे किसी भी राज्यों के बच्चे से कम नहीं है। हम अपने बच्चों को और आगे बढ़ाएंगे, जिससे बिहार किसी भी राज्य से पीछे नहीं रहेगा। इस दौरान मंत्री श्रवण कुमार ने स्कूली छात्र छात्राओं को उपहार देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान सभी सम्मानित अतिथियों को निदेशक श्री सिंह ने बुके देकर सम्मानित किया। इस दौरान पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कपिल देव प्रसाद को निदेशक श्री सिंह ने सम्मानित किया। आयोजित कार्यक्रम में घंटों तक स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई, जिससे कार्यक्रम में आए अतिथियों का मन मंत्रमुग्ध हो गया। स्कूल की चौथी इकाई यहाँ पर स्थापित की गई है, आज इसका ओपनिंग हुआ है, उद्घाटन हुआ है। अरविंद कुमार जी जो इसके निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, ये शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं, बेहतर काम करते हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी जो काम करते हैं ज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं और इनको शुभकामना देने के लिए आए थे। आप अच्छा काम कीजिए और बेहतर काम कीजिए। आज पूरी दुनिया कंपटीशन के दौर से गुजर रहा है, इस कंपटीशन के दौर में हमारा नालंदा, हमारा बिहार शरीफ पिछड़े नहीं, दुनिया के कंपटीशन के मार्केट में बराबरी पर खड़ा हो जाए, इसके लिए सब लोग मिलकर के ज्ञान के क्षेत्र को बढ़ाना है और दुनिया के कंपटीशन में बिहार को अव्वल बनाना है। तीन ब्रांचें चल रहे थे, ये चौथे ब्रांच की शुरुआत आज से हुई है, ऑफिशियली मैं कह सकता हूँ, इसलिए कि 2 अप्रैल को इसकी शुरुआत होने वाली थी लेकिन किसी कारणवश यह एक्सटेंड किया गया और आज आरपीएस स्कूल का भव्य शुभारंभ हो रहा है। और इस कार्यक्रम में हमारे माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार जी, उन्होंने आज का उद्घाटन किया इस प्रोग्राम का, इस कार्यक्रम का, और साथ ही साथ हमारे विभिन्न गेस्ट ऑफ ऑनर्स आए हुए हैं, बच्चे एक से एक रंगारंग कार्यक्रम दे रहे हैं। मेरा कहा भी गया है कि अगर आप विद्या दान करते हैं तो वो सबसे बड़ा दान होता है। इसी सोच के तहत इस एरिया में भी आरपीएस स्कूल की रिक्वायरमेंट थी, जो कि शहर के साउथ एरिया में
बच्चों को अच्छी एजुकेशन देगी, क्योंकि RPS इज नोन फॉर क्वालिटी एजुकेशन एंड नॉट फॉर क्वालिटी एजुकेशन बट फॉर ऑल द को करिकुलर एक्टिविटीज। तो एज पर CBSE गाइडलाइंस वे आर प्रोवाइडिंग ऑल द फैसिलिटीज टू ऑल द चिल्ड्रेन। आपने देखा है कि अभी मात्र 6 महीने में हमने बिल्डिंग बनाई है और आने वाले समय में G+3 का प्लान हम लोग कर रहे हैं और बच्चों को अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ क्वालिटी टीम भी मैं देने को प्रयत्नबद्ध हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। और जो भी टीचर्स हमने अपॉइंट किया है उन सबका इंटरव्यू लेकर के हमने किया है, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू लेने के बाद ही हमने टीचर को अपॉइंट किया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, आप सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से शहरवासियों को, जिलेवासियों को एश्योर करना चाहता हूँ कि आप आइए और हमारी टीम पर विश्वास कीजिए, आपके बच्चे को हम लोग अच्छी पढ़ाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी देंगे, अच्छे वैल्यूज भी देंगे और बच्चों को एक सर्वगुण संपन्न इंसान बनाने का प्रयास करेंगे, जिस पर कि हमारे देश को गर्व होगा और अच्छे इंसान बनाने का हमारा पहला प्रयास होगा। और अगर बच्चे अच्छा इंसान बनेंगे तो डेफिनेटली वो हर फील्ड में सफल हो सकते हैं। इस कैंपस में नामांकन को लेकर क्या कुछ ऑफर दिया जा रहा है? हाँ, अभी चूँकि ये फर्स्ट ईयर है तो इसलिए नामांकन में हम लोगों ने एडमिशन चार्ज फ्री किया है, सिक्योरिटी मनी फीस फ्री किया है, उसके साथ साथ प्रत्येक नामांकन पर बच्चों को एक स्कूल बैग भी दिया जा रहा है, क्योंकि आपके माध्यम से पूरे शहर के लोगों को जानकारी हो ताकि अधिक से अधिक बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण कर सकें। सर, नई शिक्षा नीति भी लागू होने वाली है, उसको लेकर कुछ क्या कुछ व्यवस्था? मैं CBSE के CD कोऑर्डिनेटर भी हूँ और इसके तहत हम लोग सभी टीचर्स को, ना सिर्फ RPS के टीचर्स को बल्कि हमारी जुरिस्डिक्शन में करीब करीब 80 स्कूल्स आते हैं नालंदा, नवादा, शेखपुरा में, उन सभी टीचर्स को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत तैयार किया जा रहा है। और इसके तहत हम लोगों ने बच्चों को जो सिलेबस दिया है वो उसी के तहत किया गया है, साथ ही साथ उनकी पढ़ाई, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी फैसिलिटीज हम लोग उसी के तहत दे रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत न सिर्फ RPS बल्कि CBSE से एफिलिएट सभी स्कूल्स उसको फॉलो करेंगे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे ताकि बच्चों को भविष्य में अच्छा इंसान बनाएं। साथ ही साथ हम लोग चाहते हैं कि बच्चे ऐसे ये डेवलप्ड इंसान बने जो कि जॉब प्रोवाइड कर सके, दे वी वॉन्ट टू मेक देम नॉट जॉब सीकर बट जॉब प्रोवाइडर, ताकि वो अधिक से अधिक लोगों को जॉब प्रोवाइड कर सके, ये मेरा प्रयास होगा। धन्यवाद। हर साल खुलते हैं तमाम, लेकिन जब स्कूल अरविंद जैसे लोग खोलते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। अरविंद जी हमारे प्रदेश के जाने माने शिक्षाविद और समाजसेवी भी हैं, कई सारे क्षेत्रों में इनका नाम है। जो सहोदय मूवमेंट है CBSE का, इसके लीडर हैं, यहाँ के CBSE के सिटी कोऑर्डिनेटर भी हैं 3-4 जिलों के, और इस सबसे बढ़कर इनका पूरा जीवन शिक्षा के लिए समर्पित है। जब इन्होंने अपनी चौथी ब्रांच खोलने की घोषणा की तो मैंने पहले ही कहा था मैं भी आऊँगा, और आज मैं यहाँ गौरवान्वित महसूस करता हूँ यहाँ आकर पटना से कि हमारे छोटे भाई अरविंद कुमार सिंह ने एक बेहतरीन काम किया है और यहाँ से जो बच्चे निकलेंगे वो देश में इनका नाम, उनके विद्यालय का नाम, इस नालंदा की पवित्र धरती का नाम पूरे देश में रोशन करेंगे, मेरा पूरा विश्वास है। सुनाम क्या लिखे? आई एम डॉक्टर CB सिंह, पेट्रन आर्यावर्ता सहोदया स्कूल कॉम्प्लेक्स पटना, प्रिंसिपल नॉलेज।